स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल आईसीएससी जावा 100%। सर्चिंग पढ़ाने के बाद अब हम आते हैं एरे में सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग जो होती है, अरेंजिंग एरे एलिमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। एरे एलिमेंट को ए टू जेड या जेड टू ए अरेंज करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग या तो असेंडिंग में करते हैं यानी लोअर टू अपर, या डिसेंडिंग में करते हैं यानी अपर टू लोअर। तो एरे एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से बेनिफिट यह है कि कोई चीज़ जब सॉर्टेड ऑर्डर में होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है, या बढ़ते हुए क्रम में होती है या घटते हुए क्रम में होती है, तो सर्चिंग आसान हो जाती है क्योंकि डेटा जो है व्यवस्थित हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। जैसे डिक्शनरी में कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको सर्च करना होता है तो वो आसानी से मिल जाता है क्योंकि वो सॉर्टेड ऑर्डर में। इसी तरह बुक में पेज नंबर, कोई पर्टिकुलर पेज नंबर खोलने के लिए कह दिया जाए तो आप उसे जल्दी से पा सकते हैं क्योंकि पेज नंबर असेंडिंग ऑर्डर में दिए होते हैं। उसी तरह एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है और इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग तीन तरह की होती है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, जिसमें से आईसीएससी में क्लास टेंथ में सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट कोर्स में है, इंसर्शन सॉर्ट कोर्स में नहीं है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट इज सर्च्ड एंड प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन। इस टेक्निक में क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटा एलिमेंट, या जब आपको असेंडिंग में करना होता है तो सबसे छोटा एलिमेंट सर्च करके फर्स्ट पोजीशन पे लाके रख देते हैं। इसके बाद सबसे छोटा जो है उससे बड़ा यानी सेकेंड स्मॉलेस्ट को सर्च करके दूसरे पोजीशन पे ला देते हैं। इसी तरह थर्ड स्मॉलेस्ट को सर्च करके तीसरे पोजीशन पे ला देते हैं। इस तरह से एरे को सॉर्ट कर देते हैं जब असेंडिंग में करना होता है तब। और डिसेंडिंग में सॉर्ट करना होता है तो सबसे बड़ी वैल्यू को सर्च करके फर्स्ट पोजीशन पे ला देते हैं, इसके बाद उससे सेकंड लार्जेस्ट को सर्च करके सेकंड पोजीशन पे लाते हैं। ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक एरे सॉर्ट नहीं हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन सॉर्ट में एक हमने एग्जाम्पल लिया है 7, 9, 2, 5, 6, ये एरे है। इसमें हमें सिलेक्शन सॉर्ट विधि द्वारा इसको अरेंज करना है असेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का हम बना रहे हैं तो कैसे करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू सर्च करेंगे। और सर्च करने का तरीका क्या है कि पहले को हम बाकी सभी से कंपेयर करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू को लाकर यहाँ कर देते हैं और उसकी जगह पे वो वैल्यू ले जाकर कर देते हैं। तो एरे कैसे बन जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये आपका पहला पास हुआ, फर्स्ट पास में ये हुआ। इसी तरह सेकंड पास में क्या होगा, अब जो है छोटी ये वाला क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब इसमें क्या होगा, यानी जैसे एरे आपका जो है ये है क्या, 2, 9, 7, 5, 6 ये, और ये शॉर्ट हो गया। अब इसमें से बाकी रिमेनिंग में जो सबसे छोटा है उसको सर्च करेंगे, यानी इसको उठाकर हम सबसे कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा यहाँ पे मिलेगा। तो ये पहले इसको हम यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे, इसको हम लाकर यहाँ कर देंगे। तो एरे आपका जो बन जाएगा वो किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, 5, 7, 9, 6
इस तरह से बन जाएगा, यानी ये सॉर्टेड हो गया और ये सॉर्टेड हो गया। इसी तरह इसमें से सर्च करेंगे तो ये यहां कर देंगे और ये यहां कर देंगे। इस तरह से ये हुआ आपका पास वन, ये पास वन हुआ, यानी पहले पास में ये हुआ। इसी तरह ये पास वन हुआ, ये आपका पास टू हुआ। अब इसी तरह अगला पास बनेगा, कुल कितने बनते हैं यन माइनस वन पास में। यन माइनस वन पास में अरेंज अरेंज होता है, यन माइनस वन पास में आपका एरे शॉर्ट हो जाएगा। यन जहां है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव एलिमेंट हैं, तो यानी इसमें कुल कितने पास बनेंगे, फोर पास बनेंगे। यन माइनस वन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस वन, फोर पास में ये शॉर्ट हो जाएगा, एरे शॉर्ट हो जाएगा। अब हम आइए देखते हैं कि प्रोग्राम सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम आगे आता है आपका सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम, जिसमें आपको करना क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट एरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में एरे को अरेंज करना है। तो देखिए एक एरे हमने बना लिया, उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया है। इनिशियलाइज कर लेंगे तो हमें इनपुट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो आप इनपुट करा सकते हैं, एरे बना लीजिए और उसमें पहले एंट्री करा लीजिए तब सॉर्टिंग करिए। इनपुट करा दिया हमने तो आपका एरे किस तरह से बना, आपका एक एरे आपका इस तरह से बन जाएगा। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने एलिमेंट का है, इसको स्टोर कर देंगे, टेन फाइव सेवन थ्री टू सिक्स फोर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अभी जो मैंने टेक्निक बताई, सबसे छोटी वैल्यू पहले सर्च करेंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू सर्च करना है यहाँ तक, यहां तक, इसके बाद चेंज किया गया है, यहां ये चेंजिंग हुआ। तो देखिए आई की वैल्यू क्या है, जीरो, आई की वैल्यू जीरो है। ये चलेगा लूप कब तक चलेगा, ए डॉट लेंथ माइनस वन, लेंथ कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन है, तो ए डॉट लेंथ सेवन माइनस वन सिक्स, लेस देन सिक्स तक चलेगा, लेस देन सिक्स तक। एट आठ लेंथ कितना आएगी, सेवन, सेवन माइनस वन तो क्या हो जाएगा, सेवन माइनस वन क्या हो जाएगा, सिक्स, तो लेस देन सिक्स तक चलेगा। तो देखिए जब आई की वैल्यू जीरो है तो स्मॉल इक्वल टू, एक स्मॉल नाम का वेरिएबल है जो क्या स्टोर कर रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो स्मॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई, स्मॉल इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए आई, आई की जगह क्या हो जाएगा, जीरो, ए जीरो, स्मॉल इक्वल टू ए जीरो हो जाएगा, तो ए जीरो पे क्या है, टेन है, यानी स्मॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन। और प्लेस इक्वल टू आई, इसकी प्लेस, प्लेस स्टोर, प्लेस में स्टोर हो जाएगा उसका इंडेक्स नंबर आई, यानी जीरो, यानी अभी सबसे स्मॉल हमें क्या मिला, पहले को ही हमने, सबसे पहला पहले एलिमेंट को ही हमने स्मॉल मान लिया, स्मॉल में क्या गया, टेन, और प्लेस उसकी क्या हो गई, जीरो, यानी इंडेक्स नंबर जीरो। अब हम क्या करेंगे, बाकी सभी वैल्यू को कंपेयर करेंगे स्मॉल वाले से, क्या इससे छोटा आगे है, ये पता करने के लिए लूप ये वाला चल रहा है आपका, ये वाला। एक वैल्यू हमने सबसे छोटा मान लिया, किसको, पहली वाली को, और उसकी लोकेशन पता कर लिया जिसमें प्लेस, प्लेस में स्टोर, तो स्मॉल में पहला वाला एलिमेंट स्टोर हो गया टेन, और प्लेस में उसका इंडेक्स नंबर आई स्टोर हो गया। अब ये लूप चला के हम इससे भी छोटा पता कर रहे हैं, वो यहाँ तक हो रहा, तो जे की वैल्यू क्या होगी, देखिए जे की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस वन, जे की वैल्यू क्या होगी, वन, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, जे की वैल्यू वन हो जाएगी। चेक करेंगे क्या है, ए जे लेस देन स्मॉल, ए जे, ए जे मतलब ए जे की जगह क्या हो जाएगा, ए जे मतलब क्या होगा, ए जे मतलब ए वन, जे की वैल्यू क्या है, वन, ए वन, ए वन पे क्या है, फाइव, तो
कि कंडीशन सही है कि गलत। ए जे लेस देन स्मॉल यानी ए वन स्मॉल से छोटा, ए वन क्या है स्मॉल से छोटा, क्योंकि स्मॉल की वैल्यू 10 है और ए वन की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन सही है। तो स्मॉल में क्या आ जाएगा ए जे, स्मॉल में क्या आ जाएगा ए जे मतलब ए का 1 5 आ जाएगा और प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी जे, प्लेस में जो 0 है वो हो जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पे क्या बढ़ेगा आई जे बढ़ेगा, सॉरी ये इंड ऑफ जे है, अभी आई आई एक ही बार चला, अब जे इतनी बार तक चल लेगा तब आई बढ़ेगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी चेक होगा ए जे लेस देन स्मॉल, ए जे मतलब सॉरी ए जे या जे की वैल्यू 2 हुई तो ए जे यानी ए 2, जे की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ क्या हो जाएगा ए जे की जगह क्या हो जाएगा 2 ए 2। ए 2 पे क्या है देखिए 7 है, लेस देन स्मॉल क्या ये स्मॉल से छोटा है, नहीं छोटा क्योंकि अब स्मॉल 5 है और जे क्या है 7, तो ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी, अब जे की वैल्यू 3 होगी तो चेक करेगा ए जे की जगह हो जाएगा 3, ए जे की मतलब ए 3, ए 3 हो जाएगा लेस देन स्मॉल, स्मॉल की वैल्यू क्या है 5, ए 3 की वैल्यू क्या है, ए 3 की वैल्यू है 3, 3 लेस देन 5, कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो क्या होगा फिर से ये चेंज हो जाएगा, स्मॉल में ए जे आ जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा ए जे यानी ए 3 यानी 3 आ जाएगी और प्लेस में क्या आ जाएगा जे, प्लेस में आपका आ जाएगा 3, ये छोटा मिला। फिर बढ़ेगा जे, जे की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, जे की वैल्यू 4 होगी तो चेक होगा ए जे, ये चेक होगा ए जे, ए 4 लेस देन स्मॉल, ए 4 लेस देन स्मॉल, ए 4 में क्या है 2 है और वो ए 4 में 2 है, लेस देन स्मॉल यानी 2 लेस देन ए 4 में 2 लेस देन स्मॉल, स्मॉल की वैल्यू क्या है 3, 2 लेस देन 3 आ जाएगा, कंडीशन सही है तो फिर से ये हो जाएगा चेंज, स्मॉल इक्वल टू जे, ए जे स्मॉल में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी जे, प्लेस की वैल्यू हो जाएगी 4, अब जे बढ़ के 5 होगा, जे बढ़कर 5 होगा तो ए 5 चेक होगा, ए 5 लेस देन स्मॉल नहीं है, फिर ए 6 होगा वो भी लेस देन स्मॉल नहीं, ए 6 पे क्या है 4, ये जे वाला लूप चल रहा है लेस देन लेंथ तक चलेगा, तो ये वाली भी वैल्यू कंपेयर हो, ये भी कंपेयर हो, ये भी, लेकिन अब स्मॉल से छोटा नहीं है, तो स्मॉल की लेटेस्ट वैल्यू क्या आई 2 और उसकी पोजीशन क्या आई 4, सबसे छोटी वैल्यू हमें मिल गई, कब मिली जब आई की वैल्यू 0 है, पहले पास में सबसे छोटी वैल्यू मिली, अब हमें इसको क्या करना है एक्सचेंज कर लेना, इसको हमें रिप्लेस कर देना है, तो क्या हो रहा है जरा देखिए, टेम्प में ए का आई जा रहा है, टेम्प नाम का एक वेरिएबल है जिसमें ए का आई चला जा रहा है, यानी ये चला जा रहा है टेम्प में, तो टेम्प में आ जाएगा 10 और ए के आई में यानी यहां क्या आ जा रहा है ए का प्लेस, ए का प्लेस, प्लेस की वैल्यू क्या है 4, यानी ए प्लेस, ए प्लेस की जगह क्या आ जाएगा 4, ए 4, ए 4 पे क्या है 2, यानी ये वाली 2 वैल्यू कहां चली आएगी आपकी 2 चला आएगा यहां पर, यहां पर 10 की जगह पे 2 यहां चला आएगा और ये टेम्पररी वेरिएबल चला गया, 2 यहां पे आ गया, अब ए के प्लेस में यानी ए 4 पर, ए प्लेस की वैल्यू क्या है 4, ए 4 पे क्या चला जाएगा टेम्प, ये यहां चला जाएगा, तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से, एरे आपका बना 2, 5, 7, 3, 10, 6 और 4, ये बन जाएगा, पहले पास में ये हुआ, अब क्या होगा भाई ये इंड ऑफ आई है, यहां पे जब पहुंचेंगे तो आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, अब आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी
तो आपका लूप चलेगा, फिर जाएगी तो स्मॉल की वैल्यू फिर से चेंज होगी। स्मॉल की वैल्यू देखिए फिर क्या हो रही है, आई की वैल्यू जब वन होगा तो स्मॉल इक्वल टू ए आई, स्मॉल क्या आ जाएगा ए वन आ जाएगा, स्मॉल में क्या आ जाएगा फाइव, स्मॉल में फाइव आ जाएगा, प्लेस में आई आ जाएगा, प्लेस में क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, प्लेस में वन आ जाएगा। अब जे चलेगा कहाँ से, आई प्लस वन से, जे की वैल्यू क्या होगी आई प्लस वन, आई वैल्यू वन है तो जे की वैल्यू चलेगी टू से, टू से चलेगी, चेक होगा ए टू लेस देन स्मॉल, तो ये देखिए इंडेक्स नंबर, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है। ए टू, ए जे मतलब ए टू लेस देन स्मॉल है, नहीं है, क्योंकि ए टू पे सेवन, फिर ये काम नहीं होगा, जब ये कंडीशन गलत है तो ये काम नहीं होगा, क्या बढ़ेगा जे, जे की वैल्यू होगी थ्री, जे की वैल्यू होगी थ्री, तो ए जे ए थ्री पे स्मॉल से छोटी वैल्यू मिल रही, क्योंकि यहाँ थ्री है और स्मॉल में फाइव है, तो क्या हो जा रहा है स्मॉल में ए जे चला जाएगा, स्मॉल की वैल्यू थ्री हो जाएगी और प्लेस की वैल्यू थ्री हो जाएगी, ठीक है। फिर जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू फोर होगी, जे की वैल्यू फोर होगी, फोर वाला स्मॉल से कंपेयर होगा, छोटा नहीं मिलेगा, फाइव वाला कंपेयर होगा सिक्स वाला, तो अब छोटा नहीं मिलेगा, छोटा इससे नहीं मिलेगा, तो ये जे वाला लूप खत्म हुआ, फिर से वही प्रक्रिया होगी, यानी क्या होगा टेम्प में ए का आई जाएगा, ए का आई मतलब ए का वन, आई की वैल्यू वन है तो ये टेम्प में चला जाएगा, टेम्प में ये चला जाएगा, टेम्प इक्वल टू ए आई, और ए आई में इस जगह पे क्या आएगा, ये जब टेम्प में इसको डाल देंगे कॉपी कर देंगे तो ए आई में ए का प्लेस चला जाएगा, ए का प्लेस मतलब ए का थ्री, तो ये आपका यहाँ चला आएगा और ए के प्लेस में टेम्प चला जाएगा, इसकी जगह पे टेम्प चला जाएगा यहाँ पे, तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से, क्या टू थ्री, टू थ्री सेवन फाइव टेन सिक्स फोर, इसी तरह से फिर आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू होगी टू, तो स्मॉल वाला टू हो जाएगी, ये जीरो ये वन, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब इसको उठाकर बाकी सबसे कंपेयर करेंगे, तो एरे की ये सॉर्टिंग की टेक्निक हो, इसके बाद स्मॉल वाला चेक होगा, एक इसी प्रोसेस के आधार पे बाकी की प्रक्रियाएं होंगी। ये हुआ आपका सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का हुआ। अब आपको मान लीजिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पे बस ग्रेटर देन लग जाएगा, ए जे ग्रेटर देन स्मॉल, ए जे ग्रेटर देन स्मॉल, इसमें आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हो जाएगा, तो देखते हैं हम अगले। अब हम आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट मेथड द्वारा डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट विधि द्वारा कैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे को सॉर्ट करेंगे, तो सिंपल वही लॉजिक पूरा है, बस यहाँ पे जहाँ पे हम ए जे लेस देन स्मॉल लिखे थे वहाँ ए जे ग्रेटर देन, अब स्मॉल की जगह हमने एक बिग नाम का वेरिएबल लिया है, स्मॉल से भी काम चल जाता आपका, तो यहाँ पे चूंकि वेरिएबल मीनिंगफुल होना चाहिए तो स्मॉल की जगह हमने बिग नाम का वेरिएबल ले लिया, बाकी वही सब है, वही पूरा प्रोग्राम है, बस यहाँ चेंज हो जाएगा, जो स्मॉल में डालते थे हम ए का आई वो बिग में डालेंगे, अब बाकी यहाँ चेंज हो, एक जगह चेंज होगा, ए का जे ग्रेटर देन बिग, वहां क्या था ए का जे लेस देन स्मॉल, ये डिसेंडिंग में हम शॉर्ट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अभी भी न समझ में आया हो असेंडिंग वाला तो देखिए डिसेंडिंग वाला समझ जाएंगे तो आपको असेंडिंग वाला भी समझ में आ जाएगा। बस हमने चेंज क्या किया है, एक वेरिएबल चेंज किया है, स्मॉल नाम का जो वेरिएबल था उसकी जगह बिग नाम का वेरिएबल लिया है, बाकी वही मेथड है, तो देखिए यहाँ पे एरे जो आपका है वही है,
वही वैल्यू हम लेके चल रहे हैं फिर से, क्या है 10 5 7 3 2 6 और 4, ये 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको हम अरेंज कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ i की वैल्यू क्या है 0, लूप चलेगा a डॉट लेंथ, लेंथ 7 आएगी इसकी, तो a डॉट लेंथ माइनस 1, a डॉट लेंथ माइनस 1 क्या होगा, दैट विल बी a डॉट लेंथ होगा 7 और माइनस 1 हो जाएगा तो 6, लेस देन 6 यानी लेस देन 6 तक चलेगा, ये थोड़ा सा याद कर लेंगे a डॉट लेंथ माइनस 1 और ये वाला जो लूप होता है लेस देन a डॉट लेंथ, ये वाला दोनों का याद करें। यहाँ a डॉट लेस देन a डॉट लेंथ माइनस 1 होता है, यहाँ a डॉट लेंथ होता है लेस देन। अब देखें i की वैल्यू जब 0 होगी, i की वैल्यू जब 0 थी तो हमने क्या ले लिया है बिग इक्वल टू ए आई, बिग में क्या आ जाएगा ए आई, बिग में आ जाएगा ए जीरो, ए आई आई जगह जीरो, ए आई जब करें तो मतलब यहाँ जीरो हो जाएगा, तो ए जीरो पे क्या है 10 है, बिग में आ जाएगा 10 और प्लेस में आ जाएगा आई, प्लेस नाम के वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी आई यानी जीरो। अब जे चलेगा कहाँ से, आपका आई प्लस 1 से, जे चलेगा 1 से, 0 प्लस 1, आई प्लस 1 मतलब आई वैल्यू जीरो है, तो 0 प्लस 1 से चलेगा कहाँ तक, ए डॉट लेंथ तक, लेंथ से कम तक यानी आपका 6 तक चलेगा, ये ध्यान दीजिए आई जब 0 तो जे अब 6 तक चलेगा, 1 से लेके 6 तक। ए जे ग्रेटर देन बी, चेक होगा ए जे ग्रेटर देन बिग, ए वन पे क्या है पाइप है, क्या ये बड़ा है बिग से, बिग से बड़ा है नहीं बड़ा है, बिग से बड़ा नहीं है, इनफैक्ट हमें थोड़ा वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि सबसे बड़ा ये ले लिया है, यहाँ पे मान लीजिए हमने 30 ले लिया, यहाँ पे 70 ले लिया, ठीक है यहाँ पे 60 ले लिया वैल्यू, नहीं तो सबसे बड़ा यही 10 ही आ जाता तो थोड़ा कम समझ में आता आपको, तो ये हमने चेंज किया। अब जे फिर से देखते हैं, आई जब जीरो है, आई जब जीरो है तो बिग में आ जाएगा ए जीरो, 10 हो जाएगा और प्लेस में क्या हो जाएगा आई यानी जीरो आ जाएगा, जे इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 प्लस 1 1, ए का जे क्या है 5 है, ए का जे क्या है 5 है, क्या ये बिग से बड़ा है, बिग से, बिग कितना है 10, बड़ा है नहीं बड़ा है, तो ये काम नहीं होगा, यहाँ पे पहुँचेगा जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू होगी 2, पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा ए जे यानी ए 2, ए 2 पे क्या है 70, ये बड़ा है बिग से, ये 70 बड़ा है किससे, ग्रेटर देन बिग, 70 ए 2 ग्रेटर देन बिग, बिग क्या है 10 बड़ा, तो क्या हो जाएगा बिग में ए जे चला जाएगा, बिग में चला जाएगा ए 2 यानी 70 और प्लेस की वैल्यू हो जाएगी जे, प्लेस की वैल्यू हो जाएगी 2, जे यानी 2, फिर जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू होगी 3, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो चेक करेगा ए थ्री ग्रेटर देन बिग, ए 3 बिग से बड़ा है नहीं बड़ा है, तो ये काम नहीं होगा, फिर जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 4, चेक होगा ए फोर पे क्या है 2 ग्रेटर देन बिग है, बिग से बड़ा है नहीं है, फिर 5 होगा 6 होगा, कोई अब बड़ा नहीं मिलेगा, कंपेयर पूरा होगा, कोई अब बड़ा नहीं मिलेगा 70 से बड़ा कोई नहीं, 70 से जब बड़ा कोई नहीं है अब क्या होगा, ये लूप खत्म हुआ, ये लूप किस लिए था, सबसे बड़ी वैल्यू पता करने के लिए ये लूप हुआ। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई हमें, अब हमें उसे क्या करना है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू को यहाँ लाना है और इसको वहाँ पे ले जाना है जहाँ से बड़ी वाली वैल्यू लाएंगे, तो देखिए टेम्प इक्वल टू ए आई, ये कहाँ जा रहा है टेम्प में, टेम्प इक्वल टू ए आई, आई वैल्यू जीरो हो तो ए जीरो टेम्प में कॉपी कर देंगे, इसके बाद ए आई इक्वल टू ए प्लेस, प्लेस की वैल्यू क्या है 2, प्लेस की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लेस यानी
ए प्लस प्लस की जगह टू हो जाएगी यानी ए टू, ए टू कहाँ जाएगा यहाँ, और ए प्लस पर यानी ए टू पे क्या चला जाएगा टेन, ए प्लस यानी प्लस की जगह क्या हो जाएगा टू, ए टू इक्वल टू टेन यानी टेन पर यहाँ चला जाएगा। तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से, एरे बना आपका 75, 10, 30, 2, 60 और 4 इस तरह से बना। ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होगा। अब क्या होगा, सब एक ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई यहाँ पे 70, पहले ये था तो 70 यहाँ गई, 10 यहाँ गया, तो यही है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। अब देखें अब क्या होगा, अब आई बढ़ेगा, ये क्या है इंड ऑफ आई, यहाँ पे आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू अब हो जाएगी, फिर एक स्टेप हम लेके चल रहे हैं, आई की वैल्यू 1 होगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो बिग इक्वल टू ए 1 हो जाएगा, बिग इक्वल टू क्या हो जाएगा ए 1, अब बड़ा क्या मिलेगा उसको 5, और प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी आई, प्लेस की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब जे चलेगा, जे होगा 2, आई प्लस 1 होगा यानी जे की वैल्यू होगी 2, ए जे, ए जे, ए जे मतलब ए टू, ए टू ग्रेटर देन बिग, ए टू पे क्या है 10, ये बिग से बड़ा है, बिग से बड़ा होगा, बड़ा है तो बिग इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बिग इक्वल टू ए जे हो जाएगा, बिग में आ जाएगा आपका 10, और प्लेस की वैल्यू हो जाएगी जे यानी 2, अब जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू होगी 3, जे की वैल्यू जब 3 होगी तो चेक होगा ए जे ग्रेटर देन बिग, ए थ्री, ए थ्री बिग से बड़ा है, सही है, फिर से चेंज हो जाएगा, बिग में ए जे आ जाएगा, बिग में आ जाएगा 30, और प्लेस में आ जाएगा जे, प्लेस की जगह क्या आ जाएगा 3, फिर जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू होगी 4, जे की वैल्यू जब 4 होगी तो चेक होगा ए फोर ग्रेटर देन बिग, ए फोर पे 2 है, बिग से बड़ा नहीं है, फिर जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू 5 होगी, 5 पे क्या है 60, ए 5 पे क्या है 60, दैट इज ए 5 ग्रेटर देन बिग, ए 5 ग्रेटर देन बिग बड़ा है तो बिग में ए जे आ जाएगा, बिग में क्या आ जाएगा ए 5, ए 5 पे क्या है 60, 60 आ जाएगा, और प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी जे यानी 5, अब यह होगा 6, 6 होगा तो ये बड़ा नहीं है, बिग से बड़ा नहीं है, तो अब सेकंड ग्रेटेस्ट जो आया 6, 60 और उसकी वैल्यू का आई 5। अब देखिए क्या हो रहा है, ये सेकंड ग्रेटेस्ट हमने पता कर लिया, अब इसको हमें स्वैप करना है, ये तो आपका सबसे पहले शॉर्ट, ये तो पहले पोजीशन पे आ गया सबसे बड़ा, अब सेकंड लार्जेस्ट यहाँ लाना है, तो उसको हमने पता कर लिया कहाँ पे है 5th रो के 5 पे, यहाँ पे है, अब क्या हो रहा है देखिए, ये टेम्प इक्वल टू ए आई, आई की वैल्यू 1 है तो यानी ये चला जाएगा टेम्प में, हमने कॉपी कर दिया इसको टेम्प में, अब ए आई में ए प्लेस आ जाएगा, प्लेस की वैल्यू 5, तो ए आई में यानी आई की वैल्यू 1 है, ए 1 में ए प्लेस आ जाएगा, ए प्लेस की वैल्यू क्या है, ए प्लेस, प्लेस की जगह 5 आ जाएगा यानी 5, तो ये वाली वैल्यू आपकी उठकर कहाँ चली जाएगी यहाँ, ये यहाँ आ जाएगी, और ए प्लेस में, ए प्लेस में क्या चला जाएगा टेम्प, ये जो टेम्प है वो यहाँ चला जाएगा, यानी ये यहाँ गया उसकी जगह ये आया, अब ये चीज वहाँ चली गई, तो एरे आपका जो बन गया इस तरह से बना, क्या 70 बना, फिर 60 आया, फिर 10 आया, फिर 30 आया, फिर 2 आया, फिर 60 आया, सॉरी 5 आया, फिर 4 आया, इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी ये शॉर्ट हो गया और ये शॉर्ट हो गया। अब आई की वैल्यू बढ़कर क्या होगी, आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2,
आई की वैल्यू जब टू हो जाएगी तो इसको बिग मान करके इससे कंपेयर करके फिर चेंज करेंगे वही प्रोसेस के द्वारा। तो ये आपका हुआ इस वीडियो में मेरे सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या होती है, सिलेक्शन सॉर्ट और बबर सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में दोनों विधि, आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों हम बता दिए। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।